हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले की यह वास्तविक कहानी है जो पक्षी और इंसान की दोस्ती का मिसाल पेश किया है। आपने तो फिल्मों में ही पक्षी और नायक नायिकाओं का साथ देते देखा होगा, पर इस वास्तविक कहानी में आरिफ गुर्जर नाम के एक सच्चे इंसान की दोस्ती उस सारस पक्षी से हो गई है। एक दिन जब आरिफ अपने खेत में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें घायल अवस्था में वह सारस पक्षी मिला था जिसका एक पैर जख्मी हो गया था। आरिफ ने उस सारस पक्षी को इंसानियत के नाते घर ले आए और घरेलू तरीके से उसका उपचार शुरू कर दिया। लगभग 1.5 महीने बाद सारस ठीक हुआ। आरिफ ने सोचा यह अब अपने घर जंगल को चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब सारस आरिफ का पक्का दोस्त बन गया है। आरिफ जहाँ जहाँ जाते हैं, सारस पक्षी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब दोनों की दोस्ती ऐसी बढ़ी कि दोनों का साथ एक साथ रहना खाना पीना शुरू हो गया। इस पक्षी का इतना प्यार कि आरिफ के थाली में ही भोजन करता है। अब आरिफ मोटरसाइकिल से जहाँ कहीं भी जाते हैं, यह पक्षी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। सारस और आरिफ की दोस्ती की चर्चा देश विदेश में फैल गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी सारस और आरिफ से मिल चुके हैं। सारस पक्षी हमें इंसानियत की दोस्ती को मजबूत बनाने की सीख देता है। हम तो भला परिंदे हैं।